अच्छा भैया, अभी तालेग्राम थाना क्षेत्र में गांव नरुईया पड़ता है, वहां पूर्व प्रधान की हत्या की गई। तो अभी पूर्व वर्तमान उप मुख्यमंत्री आए थे, तो उन्होंने आरोप लगाया कि जो मारने वाले थे वो आपकी पार्टी के थे। मैं पहले भी कहा, मैंने कई मौकों पर कहा, कई प्रेस से कहा, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, ये जो हत्या हुई है प्रशासन के लोगों ने हत्या कराई है, बीजेपी के लोगों ने हत्या कराई, और ये पहली बार हत्या नहीं हुई है। तालेग्राम में एक जानवर का मांस किसने डाला बताओ, बीजेपी के लोग थे कि नहीं थे? अच्छा, कन्नौज में एक जमीन खाली करानी थी बीजेपी वालों को, तो वहां भी दंगा कराया इन्होंने। और ये भी अगर आप जानकारी जानते होगे, अगर आप जानते होगे, यहाँ की विधायक ने उस प्रधान की कितनी बार जांच कराई, उसकी पावर सीज कराई, उसके तमाम कामों की जांच कराते रहे, आखिरकार उसकी पावर किसने छीनी और छीन करके किसको अधिकार दे दिए आपने, जो चुनाव हारा उसको? तो झगड़ा कराया है बीजेपी ने और प्रशासन ने। अगर हत्या का कोई दोषी है तो प्रशासन है। मैंने मांग की थी कि उस गरीब परिवार के सदस्यों की 50 लाख से मदद हो। मैंने पार्टी की तरफ से, हमारे पार्टी के नेता मौर्य जी आए थे और वो मदद करके गए थे। मैं भी गांव जाऊंगा, मैं भी मदद करूंगा, और मेरी मांग है कि 50 लाख की परिवार की मदद करें, और जो महिला है जो उसको सरकारी नौकरी दें, और जो दोषी है वो तो सजा पाएंगे क्योंकि 302 है वो पाएंगे, लेकिन प्रशासन को क्या सजा मिलेगी? अभी आपने नहीं देखा था एमएलसी में कैसे प्रधानों का बोर्ड लूटा गया था? सर, कहीं ये नहीं लगता कि ये हत्या को राजनीतिकरण किया जा रहा है? नहीं तो कौन कर रहा है ये बताओ ना, हम तो गए नहीं अभी तक। आप तो नहीं गए हैं सर? और हमारी पार्टी का बताया जा रहा है, क्षेत्रीय नेता जो है सर आ रहे हैं बार बार, जाएंगे और पार्टी को लेकर दोषारोपण कर रहे हैं। हमारा पत्रकार साथी, तुम्हें खुद पता है, तुमने अगर सच लिख दिया तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अगर तुमने सच लिख दिया तो हो सकता है तुम्हारी नौकरी साफ हो। अभी तक चालू नहीं हुई है फुल फ्लैश, अभी तक तो फुल फ्लैश चल जानी चाहिए थी, लेकिन फुल फ्लैश नहीं चली। और फुल फ्लैश चल जाती तो इससे सरकार को लाभ पहुंचता है, क्राइम को और जो क्रिमिनल्स हैं उनको सजा देने में और आसानी हो, जल्दी हो जाती। तो ये भी नहीं फॉरेंसिक लैब चालू कर पा रहे हैं, जो समाजवादी लोग बना के चले गए उससे आगे कुछ भी बढ़ा नहीं पा रहे। बस ये ढाबा अपने आप खुल गया, ये मैंने नई चीज़ देखी, अभी आएगा बुलडोजर ये भी हट जाएगा। नगर पालिका के आरक्षण, अच्छा ठेकेदार साहब बोल रहे, दोबारा मिला जाए भैया, एक फोटो आपके साथ भैया, नगर पालिका का आरक्षण के संबंध में हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया। देखिए आरक्षण में बहुत बात साफ है, सरकार की नीयत नहीं है आरक्षण देना। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण की विरोधी रही है, और आरक्षण किसी रूप में नौकरी के आरक्षण के खिलाफ है ये, और आरक्षण का मतलब क्या हुआ, पिछड़े दलित के खिलाफ है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे अपॉइंटमेंट हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, और चाहे आपका चुनाव का हो। जब सरकार को ये पता था, सुप्रीम कोर्ट ने पहले से कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी, आप व्यवस्था के अनुसार